ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति ही द्वितीयः अध्यायः प्रथमः पादः की लाइव कक्षा संख्या 2 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, 2 को पढ़ने जा रहे हैं। गत कक्षा में हमने आपको कुछ इस अध्याय को दूसरे अध्याय को पढ़ने में सहायक बातों को बता करके भूमिका आपकी बना दी थी। अब हम आज पढ़ना आरंभ करते हैं सूत्र का, ठीक है। यहां से पढ़ना आरंभ करेंगे और समास प्रकरण पूरा मैंने जैसा कि आपको बताया था द्वितीय अध्याय के प्रथम और द्वितीय पाद के अंदर पूरा समास प्रकरण आ जाता है, ठीक है। चलिएगा, देखते हैं, आगे चलते हैं, सूत्र पर चलते हैं। ये हमारा सूत्र है, आपके पास में पुस्तक है उसमें आप खोल लीजिएगा। ये अथ द्वितीयोध्यायः प्रथमः पादः, सूत्र संख्या 211। सूत्र उच्चारण है समर्थः पदविधिः, समर्थः पदविधिः। पदच्छेद किया गया है समर्थः प्रथमा विभक्तिः एकवचनान्तम्। पदविधिः प्रथमा विभक्ति एकवचनार्थ। इसके अंदर यहां पर इसमें समास दिखाया है, पहले तो इसमें समास दिखाया है फिर इसमें समास दिखाया है, ठीक है। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझाते भी रहेंगे, बाद में आपको फिर अच्छी प्रकार से समझाएंगे। गुरुजी ने यह समासः समर समासः चतुर्विधोत्र विग्रहो द्रष्टव्यः। गुरुजी ने कहा कि जो ये समर्थः पद है इसका 4 प्रकार से विग्रह द्रष्टव्यः, माने हम समास जो समास करेंगे उसके लिए 4 प्रकार का विग्रह कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? एक विग्रह किया इन्होंने संगतार्थः समर्थः, ठीक है। दूसरा विग्रह किया संसृष्टार्थः समर्थः, संप्रेक्षितार्थः समर्थः। ये तीसरा संबद्धार्थः समर्थः, ठीक है। उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास यहां पढ़ेंगे,
और उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि समास हुआ। यहां पर ये है संगतार्थः समर्थः, संगतार्थः ठीक है, तो संगतः अर्थः यस्य स समर्थः, इस प्रकार से विग्रह होगा। क्या संगतार्थ पद जो है यहां ये दिख रहा है, तो संगतः अर्थः यस्य स संगतार्थः, ये इसका बहुव्रीहि समास के लिए। ऐसे ही समर्थः ये अर्थ हो सकता है, अथवा संसृष्टः अर्थः यस्य सः समर्थः, ये भी बहुव्रीहि समास हो गया। मैं विग्रह आपको करके दिखा रहा हूं ठीक है। संप्रेक्षितार्थः, इसमें विग्रह करेंगे तो संप्रेक्षितः अर्थः यस्य सः संप्रेक्षितार्थः ठीक, ये समर्थः। संबद्धार्थः, तो संबद्धः अर्थः यस्य है सा संबद्धार्थः, हाँ समर्थः। तो हमने यहां पर ये कर दिया आपको, यहां पर थोड़ा सा ये सरल है, वैसे बिल्कुल सरल है ठीक है। यहां पर ये दिखाना चाहा है गुरुजी ने कि जो समर्थ शब्द है उसके अर्थ दिखाने चाहे हैं कि संगतार्थः माने संगत अर्थ हो गया है, माने संगत अर्थ है जिसका ऐसा पद है, ऐसा पद अथवा एक पद हो सकते हैं, दो पद हो सकते हैं, तीन पद हो सकते हैं ठीक है। तो कहते हैं संगतार्थ माने संगत अर्थ, संगत अर्थ को बोलते हैं समर्थ, और संश्रिष्टार्थ समर्थ। ये संगतार्थ और संश्रिष्टार्थ ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, ये ध्यान दीजिए। या संश्रिष्ट का जो अर्थ है वही संगत का अर्थ है, क्या ये दोनों पर्यायवाची हैं, संगतार्थ अथवा संश्रिष्टार्थ। संगत का अर्थ है मिल गया है, है? माने अर्थ मिल जाता है ठीक है, अर्थात जैसे हम कहते हैं संगतम घृतम, माने घी किसी दूसरे पदार्थ में मिल गया ठीक है, उसको समर्थ बोलते हैं ठीक है। तो जा शब्दों के विषय में जब हम बात कर रहे हैं मिलने की, तो क्या है उसका अर्थ मिल गया है, माने जिसका जिस शब्द का अर्थ मिल गया है दूसरे में ठीक है, तो ऐसा शब्द वो क्या कहलाएगा, समर्थ कहलाएगा ठीक है। अथवा संगतार्थ कहिए चाहे संश्रिष्टार्थ कहिए, समान अर्थ है, संगत और संश्रिष्ट का अर्थ भी मिलना ही है ठीक है। आगे दो हैं, संप्रेक्षितार्थ समर्थ, संबद्धार्थ समर्थ। ये संप्रेक्षितार्थ और संबद्धार्थ ये दोनों पर्यायवाची है ठीक है। संप्रेक्षितार्थ और संबद्धार्थ का अर्थ है कि एक दूसरे से संबद्ध संबंध रखना, माने एक पद दूसरे पद के साथ की तरफ, माने संप्रेक्षित का अर्थ है देखना, देखना माने शब्द का अर्थ दूसरे अर्थ के साथ में संबंध बना रखना, विपरीत ना होना, उसको भी यहां पर क्या कहा है, समर्थ का। ध्यान देंगे ये संगतार्थ समर्थ, संश्रिष्टार्थ समर्थ का एक अर्थ है, संप्रेक्षितार्थ समर्थ, संबद्धार्थ समर्थ इनका एक अर्थ है, ये पर्यायवाची के लिए दिखाए गए ठीक है। अब देखिएगा
यहां उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि समास किया है, एक वार्तिक है, वार्तिक के द्वारा उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, वार्तिक में लिखा देता हूं, आपको लिख लीजिएगा, वार्तिक लिखिएगा आप, प्रादिभ्यो धातु जस्योत्तर धातु जो धातु जस्योत्तर तरस्य इस्यस्य लोपश्च वा बहुव्री लोपश्च लोपश्च वा बहुव्रीहि वक्तव्यः। वक्तव्यः ठीक है, ये देखिएगा, अब आपको दिख रहा होगा ये वार्तिक है, ये आगे हम पढ़ाएंगे आपको। इस वार्तिक से यहां पर समास हुआ है समर्थ में, ठीक है, इनमें क्या है, इस वार्तिक से क्या है, प्रादिभ्यो धातुजस्य उत्तरस्य लोपश्च वक्तव्य बहुव्रीहि, ये कहता है कि ये जो उपसर्ग है प्रादि है उनसे उत्तर कोई धातु से उत्पन्न हुआ शब्द है तो उसका तो लोप हो जाता है और बहुव्रीहि समास होता है, विकल्प से लोप होता है। ठीक है, माने उत्तर पद उत्तरस्य लोपश्च बहुव्रीहि, माने विकल्प से लोप होता है और बहुव्रीहि समास होता है। तो यहां पर क्या है, ये यहां पर ये सम उपसर्ग था, ये सम उपसर्ग प्लस गत है, गत शब्द कैसा है, गम धातु से बना हुआ है, क्या है, गम धातु से बना हुआ, तो ये क्या है, धातु जो हो गया, धातु यस्य उत्तर से, ये सम से उत्तर ये प्रादि है, तो इस धातु से उत्पन्न हुआ जो गत शब्द है उसका गत का यहां सृष्ट है, यहां सपेक्षित है, यहां बद्ध है, ठीक है, इनका क्या है, विकल्प करके लोप हो जाता है, जब लोप हो जाता है तो सम इसका लोप हो गया, अर्थ जुड़ करके समर्था बन गया, ऐसे यहां सृष्ट का लोप हो गया तो समर्था बन गया, विकल्प से लोप होता है इसलिए पक्ष में क्या है, ये भी रहता है संगतार्था, इसको संगतार्था कहिए अथवा समर्था कहिए, दोनों ये एक ही बात है। ठीक है, इसी प्रकार से संसृष्टार्थ अथवा समर्थ, ये समस्त ये क्या, यहां पर इससे लोप नहीं हुआ उत्तर धातु जो उत्तर का, और यहां पर लोप हो गया तो समर्थ बन गया है, दोनों एक ही है, इसी प्रकार से आगे समझना है, ये वार्तिक मैंने आपको लिखा दिया है। ठीक है, चलिएगा आगे समझेंगे, अभी अभी पूरा समझ में नहीं आएगा आपको, दिन जल्दी अब इसमें ये समास कर दिया उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि समास इसी वार्तिक से। अब कहते हैं अब पद विधि में समास कर रहे हैं, पदस्य विधि विसर्ग आएगा यहां पर, पदस्य विधि पदयोर विधि पदानाम विधि पदात विधि पद विधि इति सर्व विभक्त्यंतः तत्पुरुष समासो बोध्यः। क्या कहते हैं यहां पर समझ लीजिएगा, ये जो पद विधि शब्द हैं
पद विधि में पद शब्द एक वचन से लेकर के षष्ठी का एक वचन लेकर के, ठीक है, और षष्ठी द्वितीया सप्तमी पंचमी चतुर्थी सभी प्रकार का विग्रह कर सकते हैं। कुछ विग्रह यहां दिखा दिया, पदस्य विधि, पदस्य विधि को क्या बोलेंगे, पद विधि। पदयोः विधि, दो पदों की विधि को भी पद विधि बोलेंगे। पदानाम विधि, बहुत सारे पदों की विधि। विधि शब्द का अर्थ है यहां पर कार्य, ध्यान दीजिए क्या है अभी बताएंगे। विधि शब्द का क्या अर्थ है यहां पर, कार्य। तो पद का कार्य माने एक पद का कार्य, पद माने पद क्या होता है, सुप्तिगंतम पदम प्राय करके वही होता है, अभी वही मान लेते हैं, ठीक है। तो पद माने पद, एक पद का कार्य हो चाहे दो पद का कार्य हो चाहे तीन पद का, चाहे तीन से अधिक का कार्य हो, अथवा पद से उत्तर का कार्य हो, अथवा पद के लिए कार्य हो, अथवा पद के कारण से कार्य हो, अथवा पद में कार्य हो, कुछ भी विग्रह हो सकता है। ये हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इति सर्व विभक्त्यंत, माने सभी विभक्त्यंत माने पद शब्द का सभी विभक्तियों में सभी वचनों के साथ में लगा करके विधि का, हम विधि के साथ में समास कर देंगे, ठीक है। यहाँ षष्ठी हो गया है, यहाँ पंचमी हो गया है, ठीक है, इसी प्रकार से और भी कर देंगे। तत्पुरुष समासोत्र बोध्य, यहाँ तत्पुरुष समास जानना चाहिए, ठीक है। ये हमने आपको वहां पर भी बताया था, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में, अनल विधि में है, क्या है, स्थानि वदा देशो नल विधौ, वहां पर बताया था आपको। तो पदस्य विधि, ये शब्द आप लगाइएगा, आप ये बस इतना ही काफी समझ लेना है, ठीक है। सभी विभक्तियों का करने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी आवश्यकता होगी उसका कर लेंगे। प्राय करके षष्ठी का अधिक होता है या पंचमी का होता है, ठीक है, वो दिखा दिया यहां पर, चलिएगा। अब कहते हैं अर्थ, परिभाषा सूत्रम इदम्, ये सूत्र कैसा है, परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र कैसे की परिभाषा हमने आरंभ में आपको बताई थी कि परिभाषा सूत्र ऐसा होता है कि अपने स्थान पर ही रहता हुआ संपूर्ण शास्त्र में कार्य कर देता है, ठीक है। जिस प्रकार से एक घर के अंदर, एक घर के अंदर, ये घर है मानिएगा, इसके अंदर यहां पर स्थित एक दीपक, ये दीपक जल रहा है, घर में एक स्थान पर रखा हुआ लगा हुआ दीपक अपने स्थान से ही संपूर्ण कमरे को प्रकाशित कर देता है, संपूर्ण कमरे में प्रकाश फैला देता है। दीपक को यहां प्रकाश करने के लिए यहां से जाना नहीं पड़ता, अपने स्थान पर ही बैठे बैठे सब पूरे कमरे में प्रकाश कर देता है। ठीक उसी प्रकार से जो परिभाषा सूत्र होते हैं वो भी अपने स्थान पर ही बैठे बैठे संपूर्ण शास्त्र में जहां पर उनके कार्य की आवश्यकता होती है वहां कार्य कर देते, उनको वहां जाने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के सूत्रों को क्या बोलते हैं, परिभाषा सूत्रम इदम, ये परिभाषा। ये सूत्र कैसा है, परिभाषा सूत्र है, समर्थः पद विधि, ठीक है, चलिएगा। अब कहते हैं, मैंने आपको
चलिए हमें पता है समर्थानाम संबद्धार्थानाम पदानाम विधिर्भवती। कहते हैं कि समर्थ, समर्थ का अर्थ लिया यहां पर ये वाला संबद्धार्थ, संबद्धार्थानाम पदानाम विधिर भवति। पदानाम बहुवचन कर दिया है, पदस्य भी कर सकते हैं, पदयोः भी कर सकते हैं, पदात भी कर सकते हैं, पदेभ्य भी कर सकते हैं, वो अर्थ के अनुसार देखा जाए। और अभी मोटा मोटा बता रहे हैं समर्थानाम अर्थात संबद्धार्थानाम आपस में एक दूसरे के अर्थ के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है वाक्य के अंदर उनकी ही पदों की विधि होती है। ठीक है, पूरे शास्त्र में ये काम करेगा, ध्यान देंगे। ये केवल यही दूसरे अध्याय के दो पाद या चार पाद में काम नहीं करेगा, कहीं पर भी, क्या कहीं पर भी पद को लेकर के कोई कार्य कहा जा रहा है। जैसे अभी आगे चलेंगे अभी तो समास आएगा, क्या आएगा समास, जो समास किया जाता है वो पद को किया जाता है। ठीक है, तो समास की जो विधि है वो पद की विधि है, और आठवें अध्याय में भी पद का कार्य होता है, आठवें अध्याय में पदस्य पदात आदि सूत्र आएंगे। तो शास्त्र के अंदर कहीं पर भी पद कहकर के काम, इस पद को काम करना है तो उसको ये देखना होगा ये समर्थ है कि नहीं है, है? समर्थ माने वाक्य में ये किसी के साथ दूसरे के साथ में संबंध रखता है अथवा नहीं रखता है। जैसा कि मैंने गत कक्षा में आपको दिखाया था कि शब्द के अंदर तीन चीज होनी चाहिए, क्या आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, ये तीन चीज हमें प्रत्येक शब्द के अंदर देखनी है, वो यहां देखनी है पद के अंदर। यदि आसक्त, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, ये तीन चीज जिस शब्द के अंदर है वो पद कैसा है, समर्थ। ठीक है, तो कहते हैं समर्थानाम अर्थात संबद्धार्थानाम पदानाम विधिर भवति। जो आपस में परस्पर संबंध रखने वाले पद होते हैं उनको ही कार्य होता है ऐसा जानना चाहिए। कहीं पर भी पद को लेकर के कोई कार्य कहेंगे तो उसको क्या करना होगा, पहले इस परिभाषा से जांचना होगा, चेक करना होगा कि ये समर्थ है अथवा नहीं। ठीक है, समर्थ है तो पद को कहा हुआ कार्य हो जाएगा, और समर्थ नहीं है तो पद को कहा हुआ कार्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए कुछ आप मुझे ज्ञात है कि अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा पर धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक, ये कहा, कहते हैं उदाहरण देखिएगा, उदाहरण या देंगे के देंगे, वैसे वास्तव में इसका कोई उदाहरण नहीं बनेगा, दूसरे सूत्रों के उदाहरण या दिखाए जाएंगे। राज्याः पुरुषाः राजा पुरुषाः इत्यत्र समासो भवति, यतो यत्र राज्याः पुरुषाः इति उभे पदे परस्परं संबद्धार्थे समर्थे स्तः। क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि राज्याः पुरुषाः, राज पुरुषाः, ये यहां पर अत्र समासा भवति, समास हो जाता है। जो समास का कार्य है जो मैंने बताया आगे पढ़ेंगे अभी, वो पद का कार्य है, पद को कहा गया है वो।
तो यहां पर क्या है, राज्यहां, ये शब्द इसके साथ में अर्थ करने में समा संबद्ध है, अर्थात इसका इसके साथ में संबंध है, राजा का पुरुष और इसका इसके साथ में संबंध है, इसलिए ये दोनों शब्द कैसे समर्थ हैं। इसलिए उभे पदे मानिए दोनों राजा पुरुष है, ये दोनों शब्द परस्परम आपस में संबद्धार्थ मान एक दूसरे के साथ इनका संबंध है, अर्थ संबंध अर्थ वाले हैं, समर्थ हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर समास हो जाता है, पद का कार्य हो जाता है। परम कहते हैं परंतु, परम माने परंतु, भार्या राज्या पुरुषो देवदत्तस्य, एक ये लिखा है इन्होंने, ठीक है। यदि कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिला, ठीक है, भार्या राज्या पुरुषो देवदत्तस्य इत्यत्र राज्या पुरुषा इत्यनयोः पदयोः संबद्धार्थता परस्परम आकांक्षा नास्ति इत्यतः समासो न भवति। अब देखिएगा, जो मैंने आपको तीन चीज बताई थी, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, तीनों चीज होनी चाहिए समर्थ पद को, तभी समर्थ होगा। इसका वास्तव में अर्थ है भार्या राज्य मन राजा की पत्नी, ऐसा है। और पुरुषो देवदत्तस्य, देवदत्त का पुरुष, संस्कृत में आप शब्दों को आगे पीछे रख सकते हैं, परंतु अर्थ करते समय हम उनका अर्थ के अनुरूप उनका अन्वय कर लेते हैं, ठीक है। अर्थ करेंगे तो क्या करेंगे, राज्या भार्या देवदत्तस्य पुरुषः, राजा की पत्नी और देवदत्त का पुरुष, यहां पर ऐसा है। परंतु कोई व्यक्ति यदि कहे कि भाई देखो यहां समास क्यों नहीं होता है राज्या पुरुषः, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर राज्या पुरुषः का राज पुरुषः समास हो गया, तो यहां क्यों नहीं होता है समास, यहां पर भी तो राज्या पुरुषा लिखा हुआ है। तो उत्तर देते हैं कि यहां पर ये राज्या शब्द है, इसकी राज्या राजा का क्या, जो आकांक्षा है उस आकांक्षा की पूर्ति पुरुष से नहीं होती है, पुरुष से नहीं होती है, राजा की भार्या, भार्या से आकांक्षा की पूर्ति होती है। क्या यहां पर राजा की भार्या, भार्या के साथ में संबंध है, और पुरुषा देवदत्त, देवदत्त का क्या, देवदत्त का पुरुषा, तो देवदत्त की जो आकांक्षा, देवदत्त पद की जो आकांक्षा थी उसकी पूर्ति किसने की, पुरुष ने। तो क्या हुआ, ये पुरुष शब्द राजा के साराज्या के साथ में संबंध रखने वाला यहां नहीं है, ये यहां पर इसके साथ में संबंध रखने वाला है देवदत्त के साथ। तो कहते हैं कि यहां पर राज्या और पुरुष का आपस में कोई संबंध नहीं। राज्या कहने से जो आकांक्षा उत्पन्न हुई है उसकी पूर्ति पुरुष से नहीं होती है, किससे होती है, भार्या से होती है। देवदत्त से कहने से जो आकांक्षा की आकांक्षा है उसकी पूर्ति किससे होती है, पुरुष पुरुष से होती है। हाँ ठीक है, देवदत्त का पुरुष है, ठीक है, वही कहा। इत्यत्र यहां पर राज्या पुरुषा इत्यनयोः पदयोः इन दोनों पदों की संबद्धार्थता अर्थात परस्परम आकांक्षा नास्ति, इन दोनों को एक दूसरे की आकांक्षा नहीं है, ठीक है, आकांक्षा नहीं है, इसलिए क्या है, इत्यतः समासो न भवति, यहां पर समास नहीं होगा, क्योंकि राज्य शब्द इसके साथ में समर्थ नहीं है,
और पुरुष पुरुष शब्द राज्या के साथ में समर्थ नहीं है, राज्य शब्द इसके साथ में समर्थ है, ये इसके साथ में, तो यहां पर कोई समास करेगा तो क्या होगा, इसका इन दोनों का समास होगा, क्या बनेगा, राजभारिया, ये तो बन सकता है राजभारिया, ठीक है, ये बन सकता है राजभारिया, और यहां पर इसका समास करेंगे तो बन सकता है देवदत्त पुरुषाः, इसका समास करेंगे देवदत्त ये देवदत्त पुरुष यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये कह दिया कि इसलिए जब भी पदों का कोई कार्य है, अभी पदों का तो ये कार्य दिखाया, पद का कभी स्वर भी लगाते हैं, ठीक है, कई सारी चीजें होती हैं, तो ये देखना पड़ेगा, तो कहते हैं तो ये हो गया, ठीक है, समासो न भवति एवं कष्टम श्रिता कष्ट श्रिता इत्यर्थ सामर्थ्यस्य विद्यमानत्वात् समासो भवति, यहां पर भी क्या कष्ट शब्द का श्रुत के साथ में संबंध है, समर्थ है, आकांक्षा की, दोनों के आकांक्षा की परस्पर पूर्ति होती है, ठीक है, दोनों की आसक्ति है, दोनों में योग्यता है शब्दों में कहने की, ठीक है, तो इसलिए यहां पर समास हो जाता है, ये आगे पढ़ेंगे समास अभी, ठीक है, एवं सर्वत्र योजनीयम्, इसी प्रकार से आगे सब जगह जान लेना चाहिए, ठीक है जी, ये बात मैंने आपको बता दी, अब आपको एक विशेष बात और बता देता हूं, ठीक है, जो मैंने आपको ये बात बताई थी पिछली कक्षा में, ये मैंने बताया था, आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, आकांक्षा योग्यता और आसक्ति, ठीक है, ये तीनों तीनों चीजें होंगी तभी कोई शब्द समर्थ होगा, ठीक, और मैंने आपको ये बताया था व्यापेक्षा भाव सामर्थ्य एकार्थी भाव सामर्थ्य, ठीक है, इसमें क्या होता है कि समास प्रकरण में जो समास प्रकरण है उसमें क्या है, ये हमने आपको बताया था, जो समास होगा, जो समास होगा वो किसका होगा, इनका होगा, दोनों का ये जो अर्थ होगा संप्रेक्षितार्थ अथवा संबद्धार्थ, तभी समास होगा, ये वाला जो अर्थ है समर्थ है, ये क्या है, समास होने के बाद बनता है, जब सभी पदों का मिलकर के एक मुख्य अर्थ हो जाता है तब वो सारे पद मिलकर के जो पद समूह होता है वो समर्थ होता है, तो ये ध्यान देंगे जो समास करेंगे, समास के लिए हमें या किस प्रकार के समर्थ पद चाहिए, संबद्धार्थ, ठीक है, कैसे चाहिए, संबद्धार्थ माने एक दूसरे के प्रति संबंध रखने वाले, ठीक है, यदि ये बात आपको नहीं समझ में आती है तो कोई परेशानी नहीं, आगे की बात है, मैंने आपको बताने का प्रयास किया है पर ये थोड़ी कठिन है, अभी इसके लिए आप काशिका में इसको समझ सकेंगे आराम से, ठीक है, चलिएगा, इतना काफी है, आपको अभी इतना समझ लेंगे, ठीक है, ये परिभाषा सूत्र है, इसका कोई अपना उदाहरण नहीं होता है, ये दूसरे उदाहरणों में लगेगा, ठीक है, आप गुरु जी की हिंदी पढ़ लेते हैं, अब मैंने अपनी हिंदी आपको बता दी, अब गुरु जी की हिंदी भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, चलिए आइए, पदों की विधि समर्थ माने परस्पर संबद्ध अर्थ वाले पदों की होती है, माने पदों विधि माने मैंने बता दिया आपको, विधि माने कार्य, पदों का कोई कार्य होता है तो वो कैसे पदों का होता है, जो परस्पर आपस में संबंध रखते हैं, यह परिभाषा सूत्र है, अतः संपूर्ण व्याकरण शास्त्र में इसकी प्रवृत्ति होती है, इस पूरे शास्त्र में कहीं पर भी काम कर सकता है यहीं बैठा बैठा,
जिस शब्द के साथ जिस शब्द का परस्पर संबंध होता है वे परस्पर समर्थ कहते हैं। ये गुरुजी ने मोटी सरल भाषा में लिख दिया, ठीक है। जैसे कि समास विधि में समास आगे आएगा, राज्यः पुरुषः, राजा का पुरुष राज पुरुष, यहां राजा का पुरुष एवं पुरुष राजा का है, ठीक है। अतः राज्यः और पुरुषः दोनों पद परस्पर संबद्धार्थ समर्थ है। संबद्धार्थ मतलब आपस में एक दूसरे की आकांक्षा की पूर्ति करते हैं। पुरुषः कस्य, राज्यः, राज्यः कः, पुरुषः। पूर्ति हो रही है, कह का उत्तर मिलता है जिससे उससे पूर्ति हो जाती है। सो समास हो गया, पर भार्या राजाः पुरुषो देवदत्तस्य, राजा की भार्या पुरुष देवदत्त का, ऐसा अर्थ है माने देवदत्त का पुरुष राजा की पत्नी। यहां परस्पर राजा एवं पुरुष की संबद्धार्थता समर्थता नहीं है, जो मैंने समझा दिया आपको। माने राजा और पुरुष आपस में संबंध रखते, पुरुष का संबंध देवदत्त के साथ में है और राजा का संबंध पत्नी के साथ में है, ठीक है। अतः राजाः पुरुषाः का यहां समास नहीं हुआ, नहीं हुआ क्योंकि समर्थ नहीं है और पद की विधि है, पद की, क्योंकि समास पद की विधि को होता है। सूत्र में समर्थ ग्रहण करने का यही प्रयोजन है। इसी प्रकार कष्टम श्रुताः, ये यहां समर्थ होने से समास होकर कष्ट श्रुता बन जाता, माने कष्ट को प्राप्त हुआ कोई पुरुष बन जाता है। और देखिएगा, पर पश्य देवदत्ता कष्टम श्रितो विश्वमित्रो गुरुकुलम, ये यहां पर वाक्य ऐसा दे दिया, यहां पर भी कष्टम शब्द है, श्रिता शब्द है, परंतु यहां समास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका इसके साथ संबंध नहीं है, इसका इसके साथ संबंध नहीं है। क्या है? पश्य देवदत्ता कष्टम, हे देवदत्त कष्ट को देखो। विश्वमित्रा गुरुकुल में पहुंच गया, श्रद्धामर पहुंच गया, विश्वमित्र गुरुकुल को प्राप्त हो गया, ये अर्थ है। अब इसके अर्थ की पूर्ति कौन पद कर रहा है? ये नहीं कर रहा, ये कर रहा पश्य। कष्ट का क्या करना है? देखो, ठीक है। तो यहां समास तो नहीं हो सकता, नहीं, समास तो सुबंत का होता है। और ये क्या, श्रिता हा प्राप्त हुआ, कौन प्राप्त हुआ? देव विश्वमित्रा हा, तो इसका संबंध इसके साथ में, ठीक है। तो पहुंचे यहां कष्ट, यहां पर कष्टम तथा श्रिता हा की परस्पर संबद्धार्थता नहीं है, आपस में संबंध नहीं है। बेशक पास पास में हो, क्रम से हो, तो भी संबंध नहीं है तो नहीं होगा समास, पद की विधि नहीं होगी। सो समास नहीं हुआ, इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने अभी समर्थः पद विधि जो परिभाषा सूत्र है उसको थोड़ा समझाया है आपको। ये सूत्र अभी 100% समझ में नहीं आएगा, अभी आपको ये 50-70% के बीच में समझ में आएगा। आपके आपको कहीं ऐसा ना आप विचार करने लगे अरे हमें समझ में नहीं आया, नहीं अभी नहीं आएगा पूरा। धीरे धीरे हम पूरा आपको समास का प्रकरण समझाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, आपको 90% आ जाएगा, ठीक है। वैसे सामान्य अर्थ तो आप समझ गए, सामान्य अर्थ तो पूरा समझ गए आप। समर्थ माने जो शब्द जिस शब्द के अंदर आकांक्षा योग्यता आसक्ति ये तीन चीज होती है वो समर्थ होता है,
और उन्हीं को कार्य होता है, यही तो अर्थ है, पूरा सामान्य सा अर्थ तो यही है। परंतु तर्क वितर्क वाला जो अर्थ है, ठीक है, तर्क वितर्क वाला जो अर्थ है वो आपको धीरे धीरे आ जाए, ठीक है। तो चलिएगा, ये ध्यान रखेंगे, ये कैसा सूत्र है, परिभाषा सूत्र। ये समास प्रकरण में भी लगेगा, माने पद को कहीं पर भी कार्य कहा जाएगा, पद को ऐसा कहेंगे, पद को ये कार्य करना चाहिए तो मानिएगा ये परिभाषा से पहले चेक करना पड़ेगा ये पद समर्थ है अथवा नहीं है, तो कार्य हो जाएगा, नहीं है तो फिर नहीं होगा, बेशक पद बना रहे, पद होने से कार्य नहीं हो रहा, पद समर्थ होना चाहिए तब पद का कार्य होगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये सूत्र आपका जितना हमको, ये अपने आप में अकेला है, परिभाषा सूत्र अपने आप में अकेले होते हैं, ये दूसरों के साथ में मिलकर के कार्य करते हैं। चलिएगा, अब है आपका आगे का सूत्र पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, ये तो कर दिया मैंने आपको। देखिएगा यहां पर इन्होंने ये भी दिखा दिया है, हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, यहां गुरुजी ने कुछ लिखा है, देखिए ये लिखा है, राज पुरुषा आदि की सिद्धियां एक दो, माने प्रथम अध्याय के दूसरे पाद के 43वें सूत्र में देखें, ये हमने आपको पहले करा दी थी सिद्धियां, कराती थी, फिर देख लेते हैं, ठीक है, फिर आपकी आवृत्ति करा देते हैं। देखिएगा, मैं आपके लिए बहुत परिश्रम से पीडीएफ बनाता हूं मित्रों, ये सिद्धियां अभी नहीं आगे वैसे आएंगी, अभी दोबारा फिर आएंगी, दोबारा का तिबारा आएंगी, हमने आपको यहां पर ये सिद्धि आई थी आपकी राजपुरुषः, पहले उसमें ये सूत्र था आपका, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ठीक है, वो वाला है, यहां पर ये सिद्धि आई थी, देखिएगा, राजपुरुषः, ये आई थी राजा पुरुषः, राजा का पुरुष राजपुरुषः, तो यहां पर कैसे किया था, राजन नस पुरुष सु, ये कैसा विग्रह है, अलौकिक विग्रह, ये बता दिया था, ये कैसा विग्रह है, लौकिक विग्रह, ये क्या है, ये है समस्त पद, तो इसका क्या हुआ था, षष्ठी 228 तो सूत्र आगे पढ़ेंगे समास प्रकरण में, उससे क्या है, षष्ठंत की, ये क्या है, ये षष्ठी से समास होता है, तो षष्ठी की क्या है, इसकी प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो गई थी, है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से, ये षष्ठी सूत्र है, समास करता है वास्तव में, तो ये प्रथमा से निर्दिष्ट इसकी उपसर्ग संज्ञा हो गई थी, इसलिए क्या है, राजन शब्द षष्ठंत है तो पहले आया था, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर ये जो समास हो रहा है, यहां समास करने से पहले हमको ये देखना होगा कि राजन नस और पुरुष सु, ये दोनों शब्द समर्थ हैं आपस में कि नहीं है, समर्थ हैं, राजा का पुरुष दोनों आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं, समर्थ हैं, यहां पर लगेगा, लगाया नहीं यहां पर, पहली सिद्धि में रहा है समर्थ पदविधि, यहां लगाना पड़ेगा है, समर्थ पदविधि लग करके फिर ये षष्ठी लग जाता है, ठीक है, तो पूर्व षष्ठंत ही पूर्व आता है, तो ये राजन गस पुरुष सु और पूर्वत समास होकर के षष्ठी से लोक आदि हो जाएगा, ठीक है, पहले आ चुका है ये आपका सुपोधातु प्रातिपदिकयो हो, है सुपोधातु प्रातिपदिकयो से लुक हो जाएगा, तो ये समास होने कृत तद्वित समासाच्य से प्रातिपदिक संज्ञा सुपोधातु प्रातिपदिकयो से लुक हो गया ये राजन, और नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो गया राज पुरुष, और स्वादी उत्पत्ति करके ये आपका बन जाएगा राजपुरुष, सिद्धि पहले करा दिया, अब फिर दोबारा मैंने आवृत्ति करा दी, यहां पर केवल यहां समास करने से पहले हमें समर्था पदविधि लगाना होगा, देखना होगा, परखना होगा,
इसी प्रकार से यहां पर ये है आपका कष्टश्रिता, कष्टश्रिता भी आया था आपका, ये प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम यहां पर भी लगाया था, ये देखिएगा कष्टश्रिता कष्टम श्रिता कष्ट को प्राप्त हुआ। अब ये जो दोनों शब्द हैं समर्थ हैं, इसलिए इनका समास हो जाएगा। समर्था पद विधि लगा करके हमने देखा, देखिए कष्ट अम श्रित सु, यहां पर इनको दोनों को देखा समर्था पद विधि से कि ये दोनों पद आपस में समर्थ हैं, एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। तो क्या है ये प्राकड़ारत समासा, ये आगे पढ़ेंगे। तत्पुरुषा के अधिकार में द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नई से द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया है, और द्वितीय श्रिता इसी से समास विधान करता है, और द्वितीय विभक्ति प्रथमा से निर्दिष्ट है, इसलिए प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से ये कष्ट पूर्व में आ गया है। ठीक है, ये सिद्धि आप अपनी पुस्तक में यहां पर देख लीजिएगा इस सिद्धि में। ठीक है, तो क्या कष्ट अम श्रित सु और ये कृतद्वित समासा सुपो धातु प्रातिपदिक का लुप होकर के कष्टश्रित कष्टश्रित बन गया, और प्रातिपदिक संज्ञाएं स्वादी उत्पत्ति कर लेंगे कष्टश्रिता बन जाए। बस मुख्य रूप से यहां पर हमें ये देखना है कि समास करने से पहले हमें समर्था पद विधि लगा करके देखना होगा कि समर्थ है कि नहीं, बस इतना है। ठीक है, बाकी का आगे हम सिद्धियां करेंगे, ये आपको बताएंगे, ही काफी सिद्धियां आई हैं आपकी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सूत्र हो गया है, बार बार आगे इसका प्रयोग होगा। ठीक है, देखेंगे, चलो अब आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे। आगे वाला हमारा दूसरा सूत्र है सुबह मंत्र ते प्रांगवत स्वरे। ठीक, सर्वेभ्यो नमः।